चलिए तो आगे हम लोग बात करते हैं इसमें एनपीओ में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आपको ये पता चल गया होगा इसमें प्रोसेस क्या है अकाउंटिंग का सबको बता चुके हैं। तो प्रोसेस क्या क्या है इसमें, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जर्नल एंट्री करेंगे, जर्नल एंट्री के बाद हम लोग क्या करेंगे इसमें लेजर करेंगे और लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस के जगह पे हम लोग क्या बनाएंगे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद क्या बनाएंगे ट्रायल बैलेंस की जगह पे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद इसमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा और बैलेंस शीट बनेगा। मतलब इतना तो तय हो गया। अब सबसे पहले बात आता है कि अगर देखा जाए कि सर अकाउंटिंग प्रोसीज्योर बताइए, तो अकाउंटिंग प्रोसीज्योर में इसमें मेन रूप से जो बनाना है उसकी बात करो, ठीक है। अकाउंटिंग प्रोसीज्योर इसमें मेन रूप से क्या क्या बनाना है, तो जर्नल एंट्री और लेजर तो जैसे करते थे एक ही चीज रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। इसमें बनाना क्या क्या है रे बोलो तो सबसे पहले बनाना है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सेकेंड चीज हम लोग को इसमें क्या बनाना है बोलिए, सेकेंड हम लोग को इसमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और थर्ड चीज हम लोग को इसमें क्या बनाना है, तो थर्ड हम लोग को बनाना है इसमें बैलेंस शीट बनाना है। मतलब ये तीन बनाना है, एक तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। तो सबसे पहले अगर चर्चा किया जाए कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, क्यों एक चीज और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट अगर देखा जाए ना तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। क्यों मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके बारे में जब तक आप डिटेल जानकारी नहीं ले पाएंगे आपसे ये और ये नहीं बन सकता। मतलब सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट होता क्या है, रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट में क्या क्या जाएगा, क्या क्या आइटम नहीं जाएगा और क्यों जाएगा नहीं जाएगा, टोटल डिटेल हम लोग को जानना है। और अगर पूरा जानकारी हम लोग को जब हो जाएगा तो हम लोग उसके बाद हम लोग क्या सीखना बनाने के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। मतलब अकाउंटिंग प्रोसीजर अगर देख लीजिए तो नोट एक बार कर लीजिए सब बच्चा, रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट बनाएंगे फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और फिर बैलेंस शीट। मतलब सबसे पहले अगर आपको सीखना क्या है तो बोलिए तो हम लोग को सीखना है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में सीखना है। तो चलिए आते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। सबसे पहला बात रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है, अगर इसका हिंदी शब्द का बात करो तुम लोग, रिसीप्ट का मतलब क्या होता है, तो रिसीप्ट का मतलब होता है प्राप्ति, ठीक है। और पेमेंट का मतलब क्या होता है, पेमेंट का मतलब होता है भुगतान। देखिए कितना आसान हो जाता है अगर हिंदी में इसकी बात किया जाए, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मतलब प्राप्ति और भुगतान खाता। सीधा सीधा बात हो गया कि जब जब कैश इन्वॉल्व रहेगा किसी भी ट्रांजेक्शन में क्या इन्वॉल्व रहना चाहिए, कैश इन्वॉल्व रहना चाहिए, वो कहाँ पे आएगा, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा। मतलब अगर किया जाए तो हम आपको बताए थे कि अकाउंटिंग दो टाइप से हम लोग करते हैं बात, एक था टाइप क्या अक्रूअल टाइप था, अक्रूअल मतलब क्या होता था रे, और एक क्या टाइप था, तो एक था कैश बेसिस, एक अक्रूअल बेसिस था और एक क्या था कैश बेसिस था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात सब डिस्कस हो रहा है, प्लीज ध्यान से देखिए दीजिएगा, एक अक्रूअल बेसिस होता था और एक क्या होता था कैश बेसिस होता था अकाउंटिंग का। तो हम लोग जो है जब आपको 11th वाला पार्ट पढ़ रहे थे हम लोग, तो हम लोग बना रहे थे ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह पे क्या बना रहे हैं तुम लोग, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। किस बेसिस पे बनाते थे बोलिए तो, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम बताए थे एक्चुअल बेसिस पे बनाते हैं। मतलब अगर कोई भी खर्चा चाहे वह पेड हुआ है या नहीं हुआ है, कोई भी इनकम चाहे वह रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, उसका हम लोग अकाउंटिंग करेंगे और किसमें करेंगे, एक्चुअल बेसिस में। मतलब उसको लेंगे ही लेंगे अपनी अकाउंटिंग में। ये कौन बोलता था आपका, एक्चुअल बेसिस बोलता था। मतलब एक्चुअल बेसिस क्या बोलता था, कोई भी ट्रांजेक्शन, मतलब कोई भी इनकम या कोई भी एक्सपेंस, चाहे इनकम रिसीव हुआ या नहीं, खर्चा हुआ है या नहीं, उसको कहां लेना है आपको, तो आपको लेते थे क्रेडिट अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेम चीज डिट्टो क्या बोलेंगे आप लोग, कोई भी इनकम कोई भी एक्सपेंस, फिर से बोल रहे हैं कोई भी इनकम कोई भी एक्सपेंस, चाहे वह रिसीव हुआ है या नहीं, पेड हुआ है या नहीं हुआ है, सिर्फ करेंट ईयर से रिलेटेड है, सिर्फ किससे रिलेटेड है, करेंट ईयर से रिलेटेड है, वो कहाँ पे आएगा हम लोग का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। मतलब हो गया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाएंगे, तो एक्रुअल बेसिस पे बनाएंगे।
कैसे बनाएंगे? एक्रुअल बेसिस पे। और दूसरा चीज क्या बचा बोलो तो, रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट। तो रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट जो बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे? कैश बेसिस पे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे रे? कैश बेसिस पे। अब देखिए तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आया, कैश बेसिस और एक्रुअल बेसिस, समझ में आ रहा है बात? अगर सबको पता चल रहा होगा, देखिए थोड़ा सा डेढ़ दो दिन लगेगा अनकंफर्टेबल इस चैप्टर में, धीरे 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 करके सारा बात समझ में आने लगेगा। हो सकता है टेक्निकल कुछ डिस्कस हो रहा है तो जो बच्चे 11th नहीं पढ़े होंगे ना उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा होगा, क्योंकि ये सब टेक्निकल बात है जो कि 11th में बताया गया था, 12 बेसिस, कैश बेसिस और बहुत सारा चीज बताया गया था, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आगे, तो आगे कि हम लोग इसमें अभी आपको क्या बोले अकाउंटिंग प्रोसीजर में, देखिए क्या बोले, पूरा बात लिखी अभी दिखाएंगे नहीं, समझे? पूरा पहले समझ लीजिए रिसीपिएंट पेमेंट अकाउंट के बारे में, उसका टोटल चीज एक बार में नोट डाउन करा देंगे। सबसे पहले हम आपको बोले जिस तरह उसमें ट्रायल बैलेंस बनाते थे उसी तरह इसमें नया चीज बनाना होगा। क्या बनाना होगा? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और ट्रायल बैलेंस से उसमें क्या क्या बनता था आपका? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। इसमें दो ही चीज बनेगा, क्या क्या बनेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और क्या बनेगा? बैलेंस शीट बनेगा। किससे रे? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। क्या क्या बनेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा और बैलेंस शीट। एक चीज और डिस्कस हुआ, क्या डिस्कस हुआ? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनता है वो क्या किस बेसिस पे बनता है? एक्रुअल बेसिस पे बनता है। किस बेसिस पे? एक्रुअल बेसिस पे। और ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो बनेगा वो किस बेसिस पे बनेगा? तो ये बनेगा आपको कैश बेसिस पे। किस बेसिस पे? कैश बेसिस पे बनेगा। मतलब क्लियर हो गया, रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पे बनेगा और ये बनेगा एक्रुअल बेसिस पे, और इसी से बनेगा, ये भी क्लियर हो गया। तो इसका मतलब है कैश बेसिस मतलब देखो क्या होता है कि ओनली, मतलब इसमें केवल और केवल, पहले तो ये नोट करिए ही करिए, ये सब थोड़ा थोड़ा पॉइंट जो नोट करते चलेंगे हम लोग, जब हम आपको रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट का डेफिनेशन लिखाने लगेंगे तो हम कहेंगे पूरा। अभी हम देखिए क्या बोले आगे का, जब हम लोग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं इसका मतलब ये हो गया, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? सबसे पहले अगर बात किया जाए रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ही क्या, तो ये हम लोग बोलते हैं, देखिए शॉर्ट लिख रहे हैं पहले, उसके बाद पूरा डिटेल आएंगे। समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन मतलब हो गया क्या? कैश अकाउंट बोलते हैं, कैश ट्रांजेक्शन से बेस्ट रहेगा कैश अकाउंट। समरी ऑफ कैश अकाउंट मतलब ये कैश अकाउंट का एक समरी है। इसका मतलब ये हो गया कि सभी ट्रांजेक्शन लेंगे, चाहे वह खर्चा हो मतलब कैपिटल नेचर का हो, चाहे रिवेन्यू नेचर का हो, सभी इनकम लेंगे चाहे वह कैपिटल नेचर का हो या रिवेन्यू नेचर का हो। किसमें? रिसीपिएंट पेमेंट अकाउंट है ओनली, लेकिन किस बेसिस पे? कैश बेसिस पे। किस बेसिस पे रे? कैश बेसिस पे। अब सब बच्चे के मन में आ गया क्या कि कैश बेस रिवेन्यू नेचर क्या होता है सर, ये आपका रिवेन्यू नेचर क्या होता है और कैपिटल नेचर क्या होता है? तो देखिए हम आपको जिस दिन 11th पढ़ाते हैं, बार हम 11th से इसलिए कोऑर्डिनेट कर रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक ही 11th का है। अगर देखा जाए ना ये टॉपिक 11th का ही है, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसमें था और इसमें सिर्फ क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें क्या बनाते थे आप? ट्रायल बैलेंस बनाते थे, इसमें उससे जगह क्या बना रहे हो तो रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट। उसमें क्या बनाते थे हम लोग? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें क्या बना रहे हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसमें बनाते थे बैलेंस शीट, इसमें बनाते हैं बैलेंस शीट। इसलिए बार बार हम 11th करते रह गए, ठीक है। इस चैप्टर में हर वक्त आप मेरे मुंह से 11th का लाइन सुनते रहोगे, ज्यादा नहीं दो क्लास के बाद फिर पूरा पूरा इसमें आ जाएंगे हम लोग, ठीक है, ताकि बच्चे को लगे कि नहीं 11th जो पढ़े बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था हमारे लिए। आइए इस पे सबसे पहले अगर चर्चा किया जाए कि सर बात बताइए कि ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या क्या लेंगे और कैसे क्या क्या है, तो सबसे पहले और रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद टोटल चीज कुछ लोगों को पता चल जाएगा। मतलब रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पहले सिर्फ इतना सब बात ध्यान रखो कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाया जाएगा, तो कैश बेसिस पे बनाया जाएगा। कैसे? कैश बेसिस पे, मतलब इसमें केवल और केवल वही ट्रांजेक्शन लेंगे जो कैसे होगा, कैश से रिलेटेड होगा, अदरवाइज ट्रांजेक्शन नहीं लेंगे। मतलब केवल और केवल वही ट्रांजेक्शन लेंगे इसमें जो कि क्या किससे रिलेटेड होगा, कैश से रिलेटेड होगा। चलिए सबसे पहले लिखिए रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सबसे पहला लाइन लिखिएगा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में, इट इज
प्रिपेयर इट इज प्रिपेयर ऑन किस बेसिस पे कैश बेसिस इट इज प्रिपेयर ऑन कैश बेसिस सेकेंड पे आइए इट इज प्रिपेयर ऑन कैश बेसिस मतलब ये कैसे बनाया जाएगा कैश बेसिस पर बनाया जाएगा ठीक है दूसरा लिखिएगा इट इज समरी इट इज समरी ऑफ कैश बुक लिख सकते हैं कैश अकाउंट लिख सकते हैं जो लिखना लिख सकते हैं इट इज समरी ऑफ कैश बुक अच्छा इट इज ऑल्सो ए क्या है एक ये एक लेजर है मतलब ये जस्ट लाइक एक लेजर है और ये कैसे बेसिस पे बनेगा कैश बेसिस पे बनेगा अब चौथा है डेबिट साइड ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या रहेगा बोलिए डेबिट साइड ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट लिखिए एनी रिसीप्ट देखिए क्या बोले हैं एनी रिसीप्ट मतलब ये हो गया दैट इज यहां पर ब्रैकेट में लिखिएगा कैपिटल नेचर क्या होता है ना होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे एनी रिसीप्ट कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर रेवेन्यू नेचर एनी रिसीप्ट कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर ठीक है सोन इन डेबिट साइड या फिर रिसीप्ट साइड ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इसका देखिए मतलब क्या हुआ है प्लीज हिंदी लिखते चलिएगा इसका हिंदी वाले यहां हम हिंदी लिखेंगे सबका हिंदी लिख लीजिए तो या कैश बेसिस पर बनाया जाता है प्लीज लिखते चलिएगा उसके बाद या कैश बुक का सारांश है यह एक लेजर होता है ठीक है यहां तो हो गया आपका सबका उधर क्या बोले कोई भी रिसीव एनी रिसीव दैट इज कैपिटल नेचर और रिवेन्यू नेचर सोन मतलब दिखाया जाएगा सोन इन डेबिट साइड और रिसीव साइड ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मतलब यह हो गया कोई भी प्राप्ति चाहे वह कैसा रहे कैपिटल पूंजीगत हो, हिंदी में लिख देते हैं चाहे वह पूंजीगत या आयगत हो उसको कहां दिखाएंगे तो उसको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के कौन साइड में डेबिट साइड में दिखाया जाएगा हो गया यहां तक हो गया आगे क्या है देखिए प्लीज हिंदी वाले हिंदी लिखिएगा इंग्लिश वाले इंग्लिश हिंदी वाले से गुजारिश करेंगे दोनों लिख लीजिएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों ठीक है इट इज प्रिपेयर ऑन कैश बेसिस इट इज समरी ऑफ कैश बुक इट इज ऑल्सो ए लेजर ये एक लेजर भी है और क्या है बोलिए एनी रिसीप्ट दैट इज कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर सॉरी डेबिट साइड और रिसीप्ट
साइड ऑफ क्या रहे रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट, कोई भी रिसीप चाहे वो कैपिटल नेचर का हो या रेवेन्यू नेचर का हो, उसको रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हो गया चार, हो गया पांचवा लिखेंगे, आगे चौथा हो गया ना जी, पांचवा लिखते हैं। लिखिएगा एनी पेमेंट, ठीक है, एनी पेमेंट डेट इज कैपिटल, डेट इज कैपिटल और रेवेन्यू नेचर, एनी पेमेंट डेट इज कैपिटल और रेवेन्यू नेचर shown in कहां पे credit side या फिर इसको बोल सकते हो तुम कौन सा है payment account, मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन, क्या बोले कोई भी ट्रांजेक्शन चाहे मतलब कोई भी पेमेंट, एनी पेमेंट चाहे वह कैपिटल नेचर का हो या रेवेन्यू नेचर का हो, उसको कहां पे दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, पेमेंट साइड में दिखाएंगे, किसके रिसिपिएंट पेमेंट, क्रेडिट साइड बोल सकते हो या फिर पेमेंट साइड बोल सकते हो, किसका रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट का। ये भी क्लियर हो गया, मतलब डेबिट में क्या रहेगा, क्रेडिट में क्या रहेगा, ये आपका क्लियर हो गया। आगे बढ़िए, अगर पूरा आसान शब्दों में आपको समझ में आ जाएगा, सिर्फ नोट करते चलिए, आगे आपको जब समझाएंगे तो पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे क्या हो गया, कोई भी भुगतान, कोई भी भुगतान चाहे वह पूंजीगत हो, पूंजीगत या आयगत है वह रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के कौन साइड पे रहे, क्रेडिट साइड में या भुगतान पक्ष में दिखाया जाएगा। यहां तक सबका क्लियर हो गया होगा। लास्ट एक लाइन और लिखिएगा, इसमें दो और तीन लाइन और लिखाएंगे। एक तो ये हो गया कि इट इज ए रियल अकाउंट, ये क्या होता है रियल अकाउंट, पर्सनल रियल नॉमिनल, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यह एक वास्तविक खाता है, इट इज ए रियल अकाउंट, ठीक है। सातवां लिखिएगा आपका इसमें, यह एक वास्तविक खाता है, सातवां में लिखिएगा यह स्टार्ट होता है ओपनिंग कैश या बैंक बैलेंस से और एंड होता है क्लोजिंग कैश या बैंक बैलेंस से। मतलब इसको स्टार्ट करने वक्त ओपनिंग कैश या बैंक बैलेंस लेंगे और एंड किससे होगा, क्लोजिंग कैश या बैंक बैलेंस से स्टार्ट एंड होगा, ठीक है। लिखिएगा इस तरह, सातवां लाइन लिखिएगा सेवन इट इज स्टार्ट फ्रॉम ओपनिंग कैश या बैंक बैलेंस। कहां से स्टार्ट होगा, ये ओपनिंग कैश या बैंक बैलेंस से स्टार्ट होगा। मतलब या ओपनिंग कैश या बैंक बैलेंस से क्या होगा, ये शुरुआत होगा या आरंभ होगा।
ठीक है। और लास्ट आठ नंबर में है इट इज इंड विथ क्लोजिंग कैश और बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस ये क्लोजिंग मतलब लास्ट का क्लोजिंग कैश और बैंक बैंक बैलेंस से क्या होगा समाप्त होगा, क्लोजिंग बैंक या कैश या बैंक बैलेंस से समाप्त होगा, यही तो लाइन था। मतलब टोटल चीज आपका अगर देखा जाए ना तो ऑलमोस्ट हो गया है। आप इसको सिर्फ और सिर्फ एक टेबुलर फॉर्म में समझाएंगे हम लेजर बना के, आपको टोटल चीज समझ में आ जाएगा हम क्या क्या लाइन लिखाए हैं, आप लोग खुद समझ में आ जाएगा। सिर्फ लाइन पढ़िएगा और देखिएगा हम सारा बात आपको एक लेजर के फॉर्मेट में लिखा देते हैं। इसका फॉर्मेट सब बच्चा लिख लीजिएगा प्लीज, इसको डिलीट कर दिए सोच करते हैं। ये क्या है क्लोजिंग बैंक क्लोजिंग कैश और बैंक बैलेंस से समाप्त होगा, इट इज इंड विथ, अच्छा ये है लिखा ये कैश और बैंक, ये क्लोजिंग कैश और बैंक बैलेंस से समाप्त होगा। प्लीज यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, सात और आठ नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आते हैं लिखिएगा फॉर्मेट ऑफ, अगला जो हम लोग का लाइन रहेगा वो रहेगा क्या फॉर्मेट ऑफ, लिखिए फॉर्मेट ऑफ, अगला जो लाइन है वो है हम लोग का फॉर्मेट फॉर्मेट ऑफ रिसीव्ड फॉर्मेट ऑफ रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट, फॉर्मेट ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, क्या है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट एक बार देख लीजिए। और अभी जस्ट तुरंत आपको टोटल बच्चा, एक बच्चा भी ऐसा नहीं होगा जिसको ये चीज समझ में नहीं आएगा, चाहे वो आप लेवल पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, जो जो बात बोलेंगे वो बस ध्यान दे दीजिए। इसका देखिए फॉर्मेट क्या है, जस्ट लाइक एक लेजर है, जैसे लेजर बनाते थे ना वैसे ही इसका फॉर्मेट है, जैसे आप लेजर बनाते थे वैसे ही इसका फॉर्मेट है। मतलब आप लेजर में क्या लिखते थे, तो यहाँ पे पार्टिकुलर, तो यहाँ पे आप लिखिएगा रिसीप्ट अमाउंट, रिसीप्ट हो गया और अमाउंट हो गया, और ये हो गया आपका पेमेंट और अमाउंट, पेमेंट और अमाउंट, एक हो गया आपका रिसीप्ट अमाउंट और दूसरा कौन सा हो गया हम लोग का पेमेंट और अमाउंट। इसको आप बोल सकते हो कौन साइड है, डेबिट साइड, और इसको आप क्या बोल सकते हो क्रेडिट साइड। अब देखिए रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का टोटल बात आपको बताए हुए हैं, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का टोटल बात आपको बताए हुए हैं, जो जो बात बोले हैं वही वही। सबसे पहला बोले हैं क्लाइंट हम आपको ये स्टार्ट होगा ओपनिंग बैलेंस से, तो ओपनिंग कैश का या बैंक का जो बैलेंस होगा वो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, कहाँ पे यहाँ पे शुरुआत हो गया यहाँ से डेबिट साइड से, ठीक है। उसके बाद जितना भी रिसीप्ट होगा ऑल रिसीप्ट चाहे वह कैसा होगा रे कैपिटल या फिर रिवेन्यू, क्या बोले ऑल रिसीप्ट चाहे वह कैपिटल हो या रिवेन्यू, कहाँ दिखाएंगे डेबिट साइड में दिखाएंगे। दूसरा लाइन क्या बोले हैं ऑल पेमेंट चाहे वह कैसा हो कैपिटल और रेवेन्यू, कहां दिखाएंगे कैपिटल और रेवेन्यू, कहां दिखाएंगे क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। और जब ये टोटल जोड़िएगा और इसको जब माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, और जिसको हम लोग बोलेंगे बाय क्लोजिंग बैलेंस, और ये क्या चीज़ आएगा या तो कैश आएगा या तो बैंक आएगा, ठीक है। ये है आपका क्या रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट, ये है आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का
फॉर्मेट। सब बच्चा अपना बुक का सवाल निकालिएगा और जस्ट ये जो सवाल लिखा हुआ पढ़िए, तो ये क्वेश्चन नंबर वन देखिए तो सबसे बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर वन का ए, क्वेश्चन नंबर वन का ए रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाइए। क्वेश्चन नंबर वन का ए बोल रहा है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाइए। प्लीज फिर से एक बार और हम बोल रहे हैं कैसे बनाया जाएगा, कैश बेसिस पे कैसे बनाया जाएगा, कैश बेसिस पे मींस वही ट्रांजेक्शन इसमें लेंगे जिसमें क्या इन्वॉल्व होना चाहिए रे, कैश इन्वॉल्व होना चाहिए। मतलब मनी देना है, मनी देना है, उधार नहीं चलेगा इसमें। उधारी अगर कुछ भी रहा है बोल देगा ऑफ स्टैंडिंग है, नहीं लेंगे, एडवांस लेंगे, पैसा अगर आना चाहिए। बस एक ही चीज ध्यान रखिए, कैश आया है या नहीं, मतलब बैंक में पैसा या कैश में पैसा आया है या नहीं आया, मतलब मनी, अदरवाइज नहीं लेंगे। केवल और केवल इसमें कब लेंगे रे, जब इसमें क्या इन्वॉल्व रहेगा, मनी इन्वॉल्व रहेगा, अदरवाइज लेंगे ही नहीं। बस समझिए ना, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या लेंगे, केवल और केवल कैश ट्रांजेक्शन लेंगे। कौन ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन। क्वेश्चन नंबर वन का ये सब निकालिए, तो प्लीज सब अपना अपना निकालेंगे। एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्वेश्चन नंबर वन का ए है रोटरी क्लब है, रोटरी क्लब वाला सवाल निकालिए सब। रोटरी क्लब सबको मिल गया होगा, रोटरी क्लब। क्वेश्चन नंबर वन का ए रोटरी क्लब, एसके सिंह के बुक का है सवाल। क्वेश्चन नंबर वन का ए रोटरी क्लब, रोटरी क्लब क्लब है किप्ट इस अकाउंट ऑन कैश बेसिस। देखिए फिगर फॉर द लास्ट ईयर आज गिवन बिलो, प्रिपेयर क्या बनाने बोल रहा है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर, आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। चलिए सबसे पहला सवाल, इसमें सबसे पहला क्या देखिए, तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। जो जो चीज बोल रहा है बस आपको ये ध्यान देना है, जो जो रिसीप्ट किए होंगे पैसा इधर लिख दीजिए, जो पेमेंट किए होंगे इधर लिख दीजिए, जो ओपनिंग होगा यहाँ लिख दीजिए, घटाने के बाद क्या रहेगा आपका क्लोजिंग आ जाएगा। बनाइए तो ये सवाल। क्वेश्चन नंबर वन का ये फॉर्मेट सब नोट कर लिया है, फॉर्मेट अगर नोट कर लिया है तो क्वेश्चन नंबर वन का ए अभी बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर वन का ए बनाएंगे अभी, जस्ट फॉर्मेट अगर नोट कर लिया होंगे तब निकालिए। मिटा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर वन का एक आप फॉर्मेट लिखो, तो लिखो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना क्या लोगों को, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, पेमेंट अकाउंट साथ साथ बनाइएगा, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये हो गया आपका रिसीप्ट, ठीक है, ये हो गया आपका अमाउंट, ये है पेमेंट और ये है आपका अमाउंट। सेकेंड शब्दों में हम लोग इसको क्रेडिट और इसको डेबिट बोल सकते हैं। चलिए सबसे पहला है आपका एंट्रांस फी रिसीव्ड, कहाँ जाएगा रे बोलो, एंट्रांस फी रिसीव्ड मतलब आपको एंट्रांस फी मिल रहा है। एंट्रांस फी मतलब क्या होता है जानते हैं, प्रवेश शुल्क, प्रवेश शुल्क मतलब अगर आप मान लिया एक एनजीओ बनाए हैं, एक एनजीओ बनाए हैं, हम इसका मेंबर बनना चाहते हैं, इस एनजीओ का हम क्या बनना चाह रहे हैं, सदस्य बनना चाह रहे हैं, तो हमको क्या देना पड़ेगा, एंट्री फी देना पड़ेगा। आप लोग जैसे कोई क्लब बनाते हैं, कोई गांव में टूर्नामेंट कराते हैं जी, आप लोग आजकल क्रिकेट मैच करा रहे होंगे बहुत सारा नाइट क्लब में, तो उससे क्या होता है, नाइट मैच कराते हैं आप लोग बहुत सारा, तो उसमें क्या होता है, एंट्री फी रखते हैं हम लोग, कितना एंट्री फी लगेगा, तो जो एंट्री फी है उसको हम लोग बोलते हैं एंट्रांस फी। देखो क्या है, एंट्रांस फी रिसीव्ड, कितना एंट्रांस फी रिसीव्ड किया है, एंट्रांस फी कितना देख लीजिए, टू एंट्रांस फी, एंट्रांस फी कितना रुपया, जल्दी जल्दी कीजिएगा, टू एंट्रांस फी 50,000, 5,000 लिखिएगा, टू एंट्रांस फी 5,000। उसके बाद फिर क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव कर रहे हो, देखो सब्सक्रिप्शन मतलब होता है चंदा रिसीव किए हैं, कितना चंदा मिला तुमको,
चंदा मिला 39,600। उसके बाद फिर क्या बोलिए, मिस्टर एक्स फी रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ये भी फी जो रिसीव किया 1200 रुपए, ये भी लिखो टू मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स फी कितना रिसीव किया मिस्टर एक्स का फी 1200। फिर आगे क्या बोल रहा है बोलिए, एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो क्या लिखेंगे बाय एक्सपेंस, बाय एक्सपेंस कितना रुपया रे, बाय एक्सपेंस 2000 लिखो, बाय एक्सपेंस कितना रुपया है, एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर 54,500, 54,500। अच्छा आगे क्या है आपका, एक्सपेंसेस अनपेड, अगर अनपेड रह गया तो उसको इसमें नहीं लेंगे। क्या बोले, किस बेसिस पे बना रहे हैं, रिसीप्ट एंड पेमेंट बेसिस पे, मतलब कैश बेसिस पे, ओनली कैश इन्वॉल्व होना चाहिए, अनपेड इसमें नहीं लेंगे, अनपेड रह गया उसको इसमें नहीं लेंगे, टाइम का अभाव है थोड़ा जल्दी कीजिए। उसका क्या है, सरप्लस ऑन बार पेमेंट, सरप्लस ऑन बार पेमेंट 15,000 रुपया, मतलब ये आया होगा, ये क्या होता है बार अकाउंट, ये कल हम बताएंगे बार अकाउंट क्या होता है, कल बता पाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेक्रेटरी होरोनियम, होरोनियम मतलब भाई जो होता है कितना रुपया है 3000 रुपया, पेमेंट टाइम में चल जाएगा। उसके बाद फिर आगे क्या है, बिगिनिंग ऑफ द कैश कितना 4700 है, लोकल रेंट रिसीव 1000 रुपया है, और इन्वेस्टमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर मतलब पैसा कितना गया आपका 2200 दिया है। मतलब आपको क्या क्या पता चलेगा जल्दी नोट कीजिए, बाय सेक्रेटरी होरोनियम, होरोनियम सेक्रेटरी होरोनियम होरोनियम 3000 इन्वेस्टमेंट बाय इन्वेस्टमेंट, बाय इन्वेस्टमेंट 2200। उसके बाद इधर लॉकर रेंट मिला है आपको, लॉकर रेंट कितना मिला है, तो लॉकर रेंट मिला है आपको 1000। फिर क्या मिला है, सरप्लस क्या होता है इसके बारे में कल चर्चा कर लेंगे, सरप्लस ऑन वार अकाउंट ये है आपको 50,000, ठीक। ओपनिंग कैश बैलेंस है आपको 47,000 रुपया, लिखो यहाँ पर टू ओपनिंग कैश बैलेंस 4700, कितना 4700, आप इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, आपका ये आएगा, इसको लिखिएगा बाय क्लोजिंग कैश बैलेंस, बाय क्लोजिंग कैश बैलेंस ये है आपको 6800। घर पे ट्राई कर सकते हैं अगला वन का बी वन का सी, ठीक है, ये 66,500 आएगा, 66,500 आएगा, एक बार ट्राई करिए। चलिए कर रहे हैं लोग,